आप देख रहे हैं नेशन टीवी न्यूज़, मैं हूँ चमकलाल सिंह। और आज हम खड़े हैं एक कुम्हार के यहाँ कि जो इस दिवाली में इनका क्या तैयारी है इस कोरोना के मैंने वजह से, और अगले साल इनका मैंने कितना दिया ये बनाए थे, और इस साल क्या क्या अपेक्षा है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यार ये साल ये कितना दिया बत्ती जो मैंने जो भी कितना बनाया है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताइए कि मैंने आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार पंडित। अच्छा, अगले साल की अपेक्षा में मैंने आप इस साल में कि मैंने कुछ ऐसा कुछ कोरोना काल में बनाया क्या बनाया? इस साल हम 50,000 दिया बनाए हैं, अगर अगला साल हम 40,000 दिया बनाए थे। तो कैसा मैंने ज्यादा है क्या? हाँ, इस साल चाइना वाला माल बंद हो गया इसलिए हम लोग बनाए हैं। अच्छा, तो मतलब डिमांड क्या हो रहा मार्केट में? डिमांड हो रहा क्या मार्केट में? डिमांड भी हो रहा है, और दूसरा चीज है कि हम लोग का अपने खुद बेचते हैं। अच्छा, मैंने कहाँ कहाँ आपका माल जो है कहाँ देते हैं? झारिया, धनबाद। झारिया, धनबाद, हाँ, रांची, सिंदरी, रांची नहीं। अच्छा, अगले साल का अपेक्षा मैंने इस साल कुछ बढ़ा है क्या? हाँ, इस साल बढ़ा है। क्यों बढ़ा है ऐसा मैंने क्यों बढ़ा है? क्योंकि हम लोग का माटी उटी बहुत महरग मिल रहा था लॉकडाउन के कारण। अच्छा, इसलिए जहां हम लोग 1600 रुपया गाड़ी गिरा रहे थे वहां हम लोग का 2400 रुपया गाड़ी मिलने लगा। जी। इसलिए हम लोग का अभी हम लोग पहले बेच रहे थे 40 रुपया सैकड़ा दिया, अभी डायरेक्ट हम लोग बेच रहे हैं 80 रुपया सैकड़ा। और कुम्हार के हम खड़े हैं कि आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने मिट्टी का जो भी है यहाँ पर मैंने बना रहे हैं, रंग वगैरह कर रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन को कहेंगे कि थोड़ा सा मैंने जूम करके दिखाएं लोगों को कि किस तरह से, देखिए इस बार जो है कोरोना काल में भी देखिए मैंने तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से। तो आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मैंने अभी इस लॉकडाउन में क्या इनका मैंने बिक्री में बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी जो चाइना माल जो अभी बंद हुआ है तो इसके प्रमाण में उनसे हम बात करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश पंडित हुआ। क्या नाम बोले? ओम प्रकाश पंडित। ओम प्रकाश पंडित। अच्छा, ये बताइए कि अगले साल की अपेक्षा मैंने यार इस साल का कुछ बढ़ोतरी? इन साल का बढ़ोतरी अभी तो बाज़ार में लगाए ही भी नहीं माल हम, अब कल से लगाएंगे परसों से, उसके बाद देखा जाएगा क्या बढ़ोतरी है। ऐसे भी तो इन साल लेबर नहीं जुट पाया जो हमसे माल उतना बना नहीं पाया, पूर्ति नहीं कर पाए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जहां आपको मिलेंगे LG, सैमसंग, सोनी, पैनासोनिक, हिताची, गोदरेज, डेल, HP, एप्पल, वोल्टास जैसे टॉप ब्रांड्स के TV, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, एयर फ्रायर्स, वाटर प्यूरिफायर्स आदि बिल्कुल कम दाम में। हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, साथ ही प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेंगे निश्चित उपहार। So hurry up and take advantage of all the offers and discounts. हमारा पता है अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, धनबाद।
कुछ मैंने दुकानदार हैं कि इस कोरोना काल में मैंने अगले साल की अपेक्षा है। अच्छा, इन लोगों का अभी क्या, अभी बिक्री में क्या फ़र्क पड़ रहा है जो चाइना माल अभी जो बंद किया गया है, तो अभी लोग स्वदेशी अपनाए हैं नहीं किए हैं, लोग ग्राहक लोग इनको क्या मैंने ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा भैया, ये बताइए कि आपके पास मैंने ग्राहक लोग आ रहे हैं? ग्राहक वैसे तो आ नहीं रहे अभी। अच्छा, कोरोना का चलते अभी चाइना आइटम बिक भी नहीं रहा। अच्छा, और ना माल आ रहा है। अच्छा, बाजार में तो बाजार का तो डिफरेंस पड़ गया, फर्क पड़ गया। अच्छा, कितना फर्क पड़ा भैया, कितना फर्क? तो बहुत ज़्यादा पड़ गया, 75% फर्क पड़ा है। 75%। अच्छा, ये बताइए 75% जो पड़ा है उसके बाद ये चाइना माल आप लोग रखे हैं कि नहीं? चाइना माल ना के बराबर में है, बहुत कम माल है चाइना का, ज़्यादा माल नहीं है। माल भी नहीं आया, प्लस की परचेजिंग भी नहीं हुआ, जहाँ से माल आता है वहाँ भी माल नहीं मिला, एक कारण कि माल मंगाए नहीं उतना। अच्छा अच्छा, गुड वैरायटीज कम्स विद गुड डिस्काउंट। जी हाँ, इसी फंडे के साथ आशियाना लेकर आया है टॉप ब्रांड प्रोडक्ट्स अच्छे डिस्काउंट के साथ। यहाँ आपको कल्लोन, पेप्स, सेंचुरी जैसे मैट्रेसेस के कई ब्रांड उपलब्ध मिलेंगे। साथ ही बेड, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, अलमीरा, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, वुडन स्विंग्स जैसे कई फर्नीचर्स उपलब्ध है। Here you will get 25% discount on mattresses as well as up to 40% discount on all types of furnitures. So hurry up and take the advantage of this offer. Our address is Hirak Road, Memkomor, Dhanbad, near Nalanda Cottage. हमारे साथ कुछ मैंने दुकानदार हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में जो चाइना का बहिष्कार किया गया है, चाइना माल अभी तक मार्केट में नहीं दिख रहा है, तो हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं इस बात करने के लिए कि इनसे पूछेंगे कि दुकान में इनका चाइना माल लाए हैं कि नहीं लाए हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बात की भैया कि आप लोग अपने दुकान में ये चाइना का कुछ आइटम नहीं? देखिए, सब तो जितना भी आइटम है सब अभी मेड इन इंडिया वाला चल रहा है। अच्छा, और क्या है कि अभी जो पुराना ओल्ड आइटम जो स्टॉक था चाइना वाला, वो सब निकाला जा रहा है, क्योंकि अब तो बहिष्कार हो रहा है चाइना का ये कोरोना को लेके, तो हम लोग भी चाह रहे हैं इसका समर्थन खूब ज़ोर से करें, इसीलिए अभी तो उस टाइप का कुछ ज़्यादा बिक नहीं रहा है। अच्छा, मार्केट में आपको जैसे आप माल भी लाने के होंगे, तो आपके पास मतलब चाइना का कुछ आपको मिला क्या आइटम? मिल रहा है, वो जो ओल्ड स्टॉक वाला माल है वो बिल्कुल मिल रहा है, और अभी सारा चल रहा है मेड इन इंडिया पे ध्यान दे रहे हैं सब पब्लिक लोग। अच्छा, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि वही ज़्यादा से ज़्यादा लाएं और बना के भी कुछ बेचें। अच्छा, आइए, हमारे साथ कुछ मैंने दुकानदार हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे कि मैंने कोरोना काल में अभी इनका क्या, दिवाली अभी नज़दीक आ गया है, तो इस कोरोना काल में इनका जो बिक्री है, तो क्या अभी बिक्री में मैंने क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और अभी जो भारत में जो अभी ये चाइना माल जो बंद हुआ है, तो उसके एवज में अभी ये अपना दुकान में मैंने चाइना जो भी सामान है ये रखे हैं कि नहीं रखे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताइए भैया, चाइना माल रखे क्या है? चाइना भैया, देखिए ये सब जो हमारे पास में लगा हुआ है सब चाइना का ही है जी। बाकी बल्ले बाकी लॉकडाउन के बाद में असर तो कोरोना का काफ़ी पड़ा है लोगों पे। अच्छा, व्यवसाय में हम लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। अच्छा, बहुत मुश्किल से गुजर बसर सभी चल रहा है। बाकी रहे चाइना का आइटम, तो लोग कुछ बाजार में मोदी जी के इफेक्ट पड़ना है। अच्छा, इफेक्ट पड़ा भैया, कितना इफेक्ट पड़ा है भैया? पिछले साल के अपेक्षा इन साल काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। कितना लगभग? कितना? अरे आधा मान लीजिए भैया, आधा का इफेक्ट भैया। लोगों की भीड़ नहीं है बाजार में, लोग चाइनीज जो भी गांव का आते हैं हमारे शो पे, वो बोलते हैं भैया ये चाइनीज है क्या? तो हम लोग जो सच बात है बताते हैं, इसके कारण भी है वो लोग चले जाते हैं देख करके। इंडियन खोजते हैं, इंडियन कोई झालर रहता ही नहीं है भैया, तो हम लोग क्या बेचेंगे? अच्छा, इंडियन कहीं कुछ मिल रहा है ऐसा कुछ मैंने मिला?
इंडियन ऐसा कुछ है नहीं भैया, वो यूपी तरफ कानपुर साइड में कोई एक आध दो झालर आते थे बनते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग आने जाने के तकलीफ के कारण से हम लोग का जो चाइना आइटम है वही मजबूरी में बेच रहे हैं। बाकी व्यवसाय पर हम लोग को काफ़ी दिक्कत है। अच्छा, सरकार से भी लेकिन हम लोग व्यवसाय के देखते हुए थोड़ा सा कुछ न कुछ हम लोग के लिए कुछ किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो आह्वान किया था कि चाइना को मतलब बंद किया जाए, चाइना माल इस हमारे भारत में नहीं बिके, लोगों में क्या अभी हम जानेंगे कि इस मन करोड़ा काल में सभी मने लोग और अभी दिवाली भी नज़दीक आ गया है, दिवाली अभी दो दिन के बाद दिवाली है, तो आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोग मने चाइना माल लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए चचा कि आपका नाम क्या हुआ? रामलखन यादव। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो मने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जो मने चाइना जो बंद किए हैं तो इसके एवज में आप क्या कहेंगे? बंद किया है तो अच्छा किया है, इसलिए कि यहाँ कोई बेच भी नहीं रहा है, चाइना का माल एकदम हम लोग नहीं चाहते हैं। अच्छा अच्छा, अपना स्वदेशी वाला माल चले। अच्छा, स्वदेशी अपना माने, अच्छा स्वदेशी माने क्या चले? जैसे अपना अपना जो वहाँ से आता है तो उन चले, यहाँ लोग तैयार करे। अच्छा अच्छा, तो आपने अभी 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 तक मार्केटिंग किया नहीं किया? ना ना, हम लोग मार्केटिंग नहीं किए, चाइना वाला माल हम लोग न लिए। अच्छा अच्छा, क्या स्थिति है अभी बाजार का, क्या स्थिति है लोगों में, मैंने क्या दिख रहा है, मैं लोग मैंने चाइना खरीद रहे हैं कि मैंने चाइना पर तो कोई ध्यान ही न दे रहा है, चाइना का माल गड़बड़ भी होता है, एक दो महीना चला कर बाद बर्बाद हो जाता है, इसलिए सब यहाँ का दुकानदार लोग भी चाहता है कि नहीं हम लोग का अपना देश वाला माल ठोस होता है ये चले, चाइना पर एकदम ध्यान नहीं है। अच्छा, जो भी हो अपना देश का ही सामान चले। हाँ जी, अपना देश का सामान कोई भी रहेगा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो मैंने मिट्टी का दिया का क्या अभी मैंने चल रहा है, आप लोग लिए कि नहीं लिए? हाँ हाँ, वो ये तो लेगा लोग, चाइना वाला तो आदमी नहीं ले रहा है, सब अपना देश वाला ले रहा है लोग दीपावली में। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या करना चाहिए लोगों को? चाइना का माल नहीं लाना चाहिए आपका। लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को आप क्या संदेश देंगे? लोग तो अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आप क्या संदेश देंगे? हम ये संदेश देंगे कि चाइना वाला माल लेना नहीं है, आपको जो भी माल लेना है अपना देश वाला माल लेना है। अच्छा अच्छा, हाँ, हमारा प्रधानमंत्री का यह आदेश है, उनका काम है और अच्छा रहेगा ही, ये समझाना है आपका। अच्छा, कंपनी का भी हम लोग बोलेंगे ना। अच्छा अच्छा, सब लोग को समझा दिया जाएगा कि भाई चाइना का माल एकदम मत लो, एकदम सवा देसी वाला।